ट्रांजिस्टर सर्किट डिजाइन के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि हम पैरेलल सर्किट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम 2, 3, 4, 5 ट्रांजिस्टर को लेकर कैसे उसको हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या लगने वाला है, ठीक है, और कितना ओम्स का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर लेना चाहिए, कहाँ पर कितना ओम्स का रेजिस्टेंस हमें लगाना चाहिए और किसके लगाना चाहिए, आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो से आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कि पैरेलल सर्किट हमें कहां पर इस्तेमाल करना होता है। अगर हमारा एक ही ट्रांजिस्टर से अगर काम हो रहा है तो वहां पर हमें 2-3 ट्रांजिस्टर में एक्स्ट्रा क्यों लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन करने से क्या होता है कि हमारा जो कि करंट है, जो कि पावर यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर बैटरी की, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर बैटरी की, तो अगर मैं यहां पर 2 बैटरी को अगर पैरेलल कनेक्शन कर देता हूं तो यहां पर हमारा क्या होगा, वोल्टेज तो यहाँ पर सेम रहेगा लेकिन इसका जो करंट है यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर ये आपका 2 एम्पियर, ये आपका 2 एम्पियर और ये अगर 5 वोल्ट का, ये अगर 5 वोल्ट का, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 5 वोल्ट प्लस 4 एम्पियर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमें पावर ज्यादा जरूरत होने की वजह से हम यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है। पैरेलल सर्किट हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जहां पर अगर मान लीजिए मुझे चाहिए वहां पर मेरा एक लोड है, मेरा एक यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक लोड ले रखा है जिसे मैंने कनेक्ट कर दिया है कलेक्टर पर, ये इसका एमिटर, ये इसका बेस और ये मेरा एक आर, ठीक है, ये मेरा एक लोड है और उस लोड को चलने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए 1.5 एम्पीयर का मुझे यहाँ पर करंट चाहिए, ठीक है। मुझे कितना करंट चाहिए, 1.5 एम्पीयर का मुझे यहाँ पर करंट चाहिए लोड के आसपास, ठीक है। लेकिन मैं जो ट्रांजिस्टर, ये मुझे मैक्सिमम 1 एम्पीयर करंट दे सकता है, मैक्सिमम ये मुझे कितना करंट दे सकता है, 1 एम्पीयर करंट ये मुझे दे सकता है, ओके। और मेरा जो सर्किट है वहां पर मुझे ये जो ट्रांजिस्टर, इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई अलग से ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो मैं क्या करूंगा कि वहां पर मैं एक और एक ट्रांजिस्टर लूंगा, उसको मैं इसके साथ पैरेलली कनेक्शन कर दूंगा, जिससे क्या होगा हमारे करंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो एक ट्रांजिस्टर से मुझे कितना मिला था, 1 एम्पियर, अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना करंट हो जाएगा, 2 एम्पियर, ओके। लेकिन अगर ये 1 एम्पियर है तो मैक्सिमम यहाँ पर 1 एम्पियर नहीं ले सकते, हमें कुछ यहाँ पर लॉसेस भी होता है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर करंट जो 1 एम्पियर हमें नहीं मिलता है, कुछ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये आपको 1 एम्पियर हो गया, ये भी 1 एम्पियर हो गया है, यानी कि आपका आउटपुट भी 2 एम्पियर मिल रहा है, तो इससे क्या होगा आपका जो 1.5 एम्पियर का लोड है ये भी इजिली चल सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को पैरेलली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो हमने तो बात किया था कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो कि बेस है, जो कि बेस टर्मिनल है, वहां पर हमें अलग से एक्सटर्नल सप्लाई हमें यहाँ पर देना होगा। जब तक हम बेस पर कोई सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जो ट्रांजिस्टर ये आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ओके। तो बेस पर हमें सिग्नल देना होगा, वो चाहे आप यहाँ पर एम्पलीफाई कर रहे हो या फिर कोई अलग से सर्किट से आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हो या फिर आप यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको जो सिग्नल है वो आपको बेस पर देना होगा, तभी जाकर आपका जो ट्रांजिस्टर ये आपका एक्टिवेट होगा। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के लिए रजिस्टर हमें यहाँ पर एड करना होगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पर एक रजिस्टेंस भी एड करना होगा जिसे हम लिखते थे RB। बताते हैं कि जो बेस रजिस्टर है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको इजीली बताया था, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पर RB की, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि VCC यानी कि सप्लाई वोल्टेज माइनस VBE डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। तो VCC क्या है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया, ओके, कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज। VBE क्या हो गया, आपका बेस टू एमिटर के अंदर जो वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका एमिटर, ओके। तो इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज होता है, जो कि आपका होता है कितना, 0.5 से लेकर के 0.8 वोल्ट के अंदर वोल्टेज होता है, जिसे हम लेते हैं 0.7 वोल्ट, ठीक है, जो कि पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है, वो होता है कितना, 0.7 वोल्ट। उसके बाद आता है आपका बेस करंट। बेस करंट हमें यहाँ पर लेना होगा कि बेस पर हमें कितना करंट देना होगा, क्योंकि जो आपका जो आउटपुट करंट है वो डिपेंड करता है आपका बेस करंट के ऊपर। अगर आप बेस करंट यहाँ पर इंक्रीज करते हो तो आपका आउटपुट करंट यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, ओके। तो बेस करंट हमें यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, तो बेस करंट निकालने के लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, IVG इक्वल टू आपका होता है IC
कलेक्टर करंट और लोअर करंट डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आपका कलेक्टर करंट या फिर लोअर करंट आपका जितना होगा डिवाइडेड बाय 10 अगर आप कर दोगे तो वह कितना हो जाएगा, बेस करंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो कि बेस रजिस्टर है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है। और आप सोच रहे होंगे कि एक ट्रांजिस्टर के लिए हमने एक बेस रजिस्टर दे रखा है, तो हम जो कि दूसरे ट्रांजिस्टर में यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलली, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, एक रजिस्टर को हमें एक ही ट्रांजिस्टर के लिए कनेक्ट करना होगा। पर हमने जो बेस का रजिस्टर जो कि हमने कैलकुलेट किया था वो हमने एक ही ट्रांजिस्टर के हिसाब से एक ही लोड के हिसाब से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, लेकिन अभी अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बेस करंट है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 मिली एम्पीयर करंट फ्लो रहा है या फिर 10 माइक्रो एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 मिली एम्पीयर फ्लो रहा है और यहाँ पर भी 10 मिली एम्पीयर फ्लो होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 20 मिली एम्पीयर। तो अगर आप 20 मिली एम्पीयर इस रजिस्टर से आप डिमांड करोगे तो ये तो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक अलग सा एक बेस रजिस्टर में हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक अलग सा बेस रजिस्टर में हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो भी ट्रांजिस्टर लेकर के सर्किट बना रहे हो तो वहां पर जितना भी आप ट्रांजिस्टर ले रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अलग अलग बेस रजिस्टर का चूज जरूर कीजिए, वो चाहे ट्रांजिस्टर के ऊपर हो या फिर कोई एलईडी के ऊपर, जितना एलईडी है उतना ही रजिस्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा आरबी यानी कि बेस रजिस्टर। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम इनपुट देंगे, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों का भी हम आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि अब हम आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम डाटा यहाँ पर इनपुट देंगे ये हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा, और हमें अभी आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, ये मैंने एक ले रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, मैंने यहाँ पर ले रखा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर मैं नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो लोड है वहां पर मुझे डायरेक्टली पॉजिटिव देना है और नेगेटिव को मैं ट्रांजिस्टर छोड़ के मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें लोड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपका आउटपुट कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ पर कलेक्टर से मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है हमें कलेक्टर से यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है। मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कलेक्टर से आउटपुट क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, अभी हमें दोनों आउटपुट को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों आउटपुट को आपस में कुछ इस तरीके से हम जोड़ देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट, मैंने क्या किया यहाँ पर दोनों आउटपुट को आपस में जोड़ दिया है, उसके बाद हमारा ये लोड पर चला गया है, ये हो गया इसका नेगेटिव, ये हो गया इसका पॉजिटिव। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका एमीटर है, ठीक है, दोनों का जो कि एमीटर है इसको हमें कहाँ पर कनेक्शन करना होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर। दोस्तों अभी बहुत कुछ यहाँ पर बाकी है, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ओके, ये तो इसका बेसिक है, ये इसका बेसिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आगे इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी आपको देना है, जिसे आप अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई जो कि ट्रांजिस्टर को मिल चुका है, ओके, लोड को भी मिल चुका है, और यहाँ पर मैंने बेस पर भी सिग्नल दे दिया है, तो अभी हमारा लोड जो है ये आपका भी चालू हो चुका है, आपका एक्टिव हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी आप ट्रांजिस्टर सर्किट डिजाइन कर रहे हो या फिर कोई भी सर्किट आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर आप पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांजिस्टर है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर है, यह आपका एनपीएन आपका ट्रांजिस्टर है, यानी कि बेस पर हमें कौन सा सप्लाई देना होगा, पॉजिटिव सप्लाई। अगर हम बेस पर यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें कौन सा रजिस्टर लगाना होगा, पुल अप या फिर पुल डाउन। ठीक है, जरा सोचिए, तो यह आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तभी जाके यहाँ पर एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव को दूर रखना होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पुल डाउन रजिस्टर हमें यहाँ पर लगाना होगा, जिससे हम कहाँ पर लगाएंगे, बेस टू ग्राउंड। ओके, यहाँ पर हम लगा देंगे और एक रजिस्टर, बेस टू ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया आपका पुल डाउन रजिस्टर, ये भी होगा आपका पुल डाउन रजिस्टर। ट्रांजिस्टर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने जो भी ट्रांजिस्टर दे रखा है वो सारे ट्रांजिस्टर सेम होना चाहिए। अगर ये आपका BC547 का है, इसे भी आपको BC547 का ही लेना होगा। ठीक है,
अगर ट्रांजिस्टर का इम्पीडेंस वगैरह अगर यहाँ पर चेंज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा करंट किसी में कम करंट फ्लो होगा, किसी में ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और जिसके अंदर से ज्यादा करंट फ्लो होगा वो डैमेज भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रांजिस्टर को सेम रेटिंग में ही लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो कुछ कुछ केस में क्या होता है कि आपने अगर ट्रांजिस्टर सेम ले रखा है और जो रजिस्टर वगैरह वो भी आपने सेम ले रखा है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है ये कुछ कुछ केस में क्या होता है कि डैमेज हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर चाहिए 1.5 एम्पीयर, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 एम्पीयर का दो लगा रखा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मेरा किसी एक ट्रांजिस्टर जो हो रहा है यहाँ पर डैमेज हो रहा है, तो किस वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांजिस्टर जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है अगर किसी के अंदर कोई डिफेक्ट होगा, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर मेरा 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, अगर इसके अंदर 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर भी 1 एम्पीयर फ्लो होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसके अंदर 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जो करंट ही आपका 0.99 एम्पीयर फ्लो हो सकता है, या फिर 0.95 एम्पीयर यहाँ पर फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है और अगर यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा कि जहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है वो जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर हीट होने लगेगा, इसके हिसाब से यहाँ पर ज्यादा हीट होगा, या फिर कुछ केस में अगर ये यहाँ पर 0.5 एम्पीयर करंट ले रहा है और यहाँ पर अगर 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर है आपका ज्यादा हीट यहाँ पर होने लगेगा। तो कुछ कुछ केस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम हीट सिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हीट सिंक क्या होता है कि हमारा पास एक एल्यूमिनियम का एक जो कि शीट होता है, जहाँ पर हमें सारा ट्रांजिस्टर हो गया या फिर सारा आईसी हो गया या फिर मॉस्फेट हो गया, उन सब हम क्या करते हैं कि उसके साथ हम चिपका लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हमारा ट्रांजिस्टर हीट होता है तो उस हीट को जो हीट सिंक होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमोस्फेरिक एयर की वजह से वो कूल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि जो हीट, अगर ये वाला ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पर कम हीट जनरेट कर रहा है, अगर ये वाला ट्रांजिस्टर अगर यहाँ पर ज्यादा हीट जनरेट करेगा, तो इसके ज्यादा हीट की वजह से भी ये वाला ट्रांजिस्टर भी यहाँ पर ज्यादा हीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ही हीट सिंक पर हम काफी सारे ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसका हीट इसके पास भी ट्रांसफर हो सकता है, या फिर जिस तरह से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है वो जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो कि एमिटर वाला टर्मिनल है वहां पर हमें एक रजिस्टर लगाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो कि आपका एमिटर वाला टर्मिनल है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ, यानी कि एमिटर नहीं, हमें जहां पर इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं या फिर जहां पर हम ट्रांजिस्टर को इनपुट दे रहे हैं वहां पर हमें एक रजिस्टर लगा देना होगा, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन रजिस्टर या फिर फ्यूज रजिस्टर, जिसका रेंज क्या होता है 0 to 5 ohms के अंदर जिसका रेंज होता है। आप यहाँ पर 0.5 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm आप कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर 1 ohm, 2 ohm, 2.2 ohm, 2.3 ohm, आप 0 से लेकर के 5 ohms के अंदर यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये रजिस्टर किस लिए, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देने के लिए, अगर किसी एक के अंदर अगर यहाँ पर ज्यादा करंट फ्लो होता है, अगर यहाँ पर इम्बैलेंस करंट अगर यहाँ पर फ्लो होता है, तो उससे क्या होगा, जिस रजिस्टर के अंदर से ज्यादा करंट फ्लो होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा और हीट होने की वजह से यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर सेट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अलग से रजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर पर कुछ इनपुट देते हैं। ओके, यहाँ पर आप अभी देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक सर्किट डिजाइन करने के लिए हमने यहाँ पर कितना रजिस्टर लगाया हुआ, कितना लगाया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हमने यहाँ पर यूज किया है 2 ट्रांजिस्टर, लेकिन हमने यहाँ पर यूज किया है 6 रजिस्टर। इसके बाद भी हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और रजिस्टर लगाते हैं, जिसको हम प्रोटेक्शन रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है, तो अगर आप यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हो, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर बेस के आसपास अगर आप यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके साथ आपको एक प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस आपको अलग से यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। ये किस लिए, क्योंकि जब हम वेरिएबल रजिस्टर को जब हम मतलब कि मूव करवाते हैं, अगर गलती से जो रजिस्टर है इसका जो रेजिस्टेंस ये अगर डिक्रीज हो जाए, मतलब कि काफी अगर कम हो जाए, आसपास 0 के आसपास अगर यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, जो कि करंट यहाँ पर मैक्सिमम करंट हो सकता है ट्रांजिस्टर के पास,
और ट्रांजिस्टर जो है आपका खराब हो सकता है। चाहे कोई भी सर्किट हो, ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो, कुछ भी हो, जब जहां पर भी आप कोई अगर वेरिएबल रेजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि आपका 100 ओम से लेकर के 1 किलो ओम के अंदर आपका रहना चाहिए। ठीक है, आपको देखना होगा कि आपका सप्लायर कितना, अगर आपके पास 5 वोल्ट है तो आप 100 ओम से लेकर के 470 ओम के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आपको 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट है तो आप 100 ओम ना लेकर के आप यहाँ पर 220 ओम से लेकर के 1 किलो ओम तक तो आप यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए रेजिस्टेंस आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो कि सर्किट डिजाइन किया जाता है। ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर लेकर बताया हुआ है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर भी ले सकते हो और उसके हिसाब से आपको बेस रजिस्टर अलग लेना होगा। और अगर आपका पुल डाउन यूज कर रहे हो या फिर पुल अप यूज कर रहे हो तो आपको अलग लेना होगा। ठीक है, और इनपुट के लिए जो कि आप प्रोटेक्शन रजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आपको अलग लेना होगा। यहाँ पर मैंने एनपीएन का यूज किया है, अगर आप यहाँ पर पीएनपी यूज करोगे तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव कंट्रोल किया है तो पीएनपी आपको पॉजिटिव कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो एनपीएन के लिए मैंने यहाँ पर पुल डाउन इस्तेमाल किया है तो पीएनपी के लिए आपको पुल अप इस्तेमाल करना होगा। ओके, और यहाँ पर मैंने जो कि बेस रजिस्टर है इसके जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया जाए कुछ इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया है, जो कि आपको मेरा जो कि पिछला वीडियो है ट्रांजिस्टर सर्किट डिजाइन के ऊपर वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और ये जो आपका पुल अप रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि लोड के हिसाब से कितना ओम से यहाँ पर रजिस्टर हमें लेना चाहिए तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको अच्छा होगा आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो पारला सर्किट में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिस्टर सीरीज सर्किट के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, आज के बस इतना ही, आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।